कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली के रास्ते खोलती है। शायद यही वजह है कि लोगों की नजरें महानगरों या देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति से ज्यादा यूपी पर रहती हैं, जहां आने वाले समय 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी बड़ा दाव खेला है। 2024 से पहले योगी गवर्नमेंट का बड़ा प्लान सामने आया है, जहां ओबीसी की 17 जातियों को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। जी हां, अब ये खबर सामने आई है कि जातिगत समीकरण बैठाने के लिए योगी गवर्नमेंट बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बता दें, सीएम योगी ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने की तैयारी में है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द किया है। इसके बाद इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अब ठोस हल मिलता नजर आ रहा है। यूपी की बीजेपी सरकार जल्द ही 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का फैसला करने जा रही है। इसके लिए पूरी विधिक कार्रवाई नए सिरे से करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। आसान विकल्प है कि संविधान आदेश 1950 का अनुपालन कराने के लिए स्पष्टीकरण के साथ अधिसूचना जारी करे। योगी आदित्यनाथ सरकार इसके लिए अब दो रास्ते अपना सकती है। पहला, आसान विकल्प है कि संविधान आदेश 1950 का अनुपालन कराने के लिए स्पष्टीकरण के साथ अधिसूचना जारी करे। दूसरा, नए सिरे से जातियों को अनुसूचित करने जैसे शब्दों का प्रयोग न हो। इसके अलावा इन जातियों को मूल जाति के रूप में अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक विकल्प ये भी है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मझवार और भर की जातियों को ठीक से परिभाषित करके सभी राज्यों को उनकी सभी उपजातियों को एससी के दायरे में शामिल करने के लिए अधिसूचित कर दिया जाए। कारण ये कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में पहले से है। इसी मद्देनजर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में लंबित विभिन्न मामलों में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अधिसूचनाओं को रद्द करवा दिया है, ताकि कोई कानूनी अड़चन ना रहे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ए नारायण स्वामी ने बीती 26 जुलाई को पत्र भेजकर इस संबंध में सकारात्मक सहमति जताई है। संजय का दावा है कि 1950 से पहले मंझवार और भर जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में होने की वजह से लाभ मिलता था, लेकिन बाद के वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन जातियों को ओबीसी की जातियों की सूची में डाल दिया गया। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में सरकार और भाजपा की ये रणनीति साफ हो जाएगी। दरअसल पार्टी संगठन के बड़े सूत्रों और राज्य सरकार के अधिकारियों की माने तो तय किया गया है कि लंबे समय से संघर्ष कर रही 17 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें आरक्षण के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाए। यूपी में इसके लिए दो बार हुए सर्वे में भी इन जातियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ा बताते हुए अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल होने के लिए उपयुक्त माना गया है। बताते चले कि चौथी बार मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 में अधिसूचना जारी की। इस बार 31 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हालांकि अब एक बार फिर योगी सरकार इसे नए सिरे से अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसकी बड़ी वजह है 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। पार्टी को लगता है कि इन 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करवाकर इसका फायदा पूर्वांचल में उठा सकते हैं।
डेस्क रिपोर्ट, TV24।